आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट वन हिस्ट्री ऑनर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। हम लोग 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा से कर लिए थे, बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे और समझ लिए थे। आज हम लोग 100 से आगे करेंगे, यानी कि 101 करेंगे। तो चलिए आगे 101 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन के अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम लोग 101। पोटली राजधानी किस महाजनपद की है, यानी कि पोटली जो राजधानी है ये किस महाजनपद की राजधानी। ए मल, बी अवंती, सी आसमक और डी सुरसेन। तो इसका आंसर हो जाए आसमक। आसमक इसका आंसर हो जाएगा। ये पोटली जो राजधानी है वो आसमक महाजनपद की राजधानी है। ये आपको पता है दक्षिण भारत की, ये जो दक्षिण भारत में यही एक महाजनपद था, आसमक ही महाजनपद था दक्षिण भारत में। 102 नंबर क्वेश्चन है, राजगिरी कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था या घिरा हुआ है, अभी भी घिरा हुआ है, कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ए 4, बी 5, सी 8, डी 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 पहाड़ियों से राजगिरी घिरा हुआ है। जो राजगिरी को भी मिसाइल राजधानी क्यों बना दी, इसीलिए ना कि सैनिक को कम जरूरत पड़ेगा। अगर कोई युद्ध भी करना चाहेगा, युद्ध भी अगर हमला भी करना चाहेगा राजधानी पर, तो जल्दी हमला नहीं कर सकता है। और जब तक राजधानी नहीं जीता था कोई और राजा को जब तक नहीं हराता था, तब तक वो नहीं समझा जाता कि वो किसी राजा को हराया है, किसी उसके अधीन में कोई और राज्य या महाजनपद आ सकते हैं, जब तक कि वहां के राजा ना हारे। तो अगर किसी जनपद पर अगर अधिकार करना है तो वहां के राजा को हराना पड़ता था। चलिए 103 नंबर, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था, यानी मगध पर शासन करना सबसे पहला यहाँ पर पूछा गया, ध्यान रखिएगा। ऐसे ये ऐतिहासिक तौर पर मतलब जिसके ज्यादा साक्ष्य मिलते हैं वो, तो देखिए ये पहले इसके आंसर देख लीजिए, मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था। ये हरेक वंश, बी बृहद्रथ, सी शिशुनाग और डी मौर्य वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ वंश। जो लेकिन इनका ज्यादा कुछ साक्ष्य नहीं मिलता है, मिलता है बृहद्रथ वंश। आपको बताया भी है कि मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था, बृहद्रथ वंश, जिसका पहला राजा बृहद्रथ, उसका बेटा था जरासंध। ये पूरा बताया ही है, इनका ज्यादा साक्ष्य नहीं मिल पाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा साक्ष्य हर एक वंश से मिलता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ वंश, न कि हर एक वंश। हर एक वंश से मतलब लगातार शासन मिलता है, लेकिन बृहद्रथ वंश से उतना ज्यादा नहीं मिलता है, मिलता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं मिलता। तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्रथ वंश। अगला 104 नंबर है, बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था। ये बिंबिसार जो हर एक वंश का शासक था ना, बिंबिसार ने कितने वर्षों पर मगध का शासक था ये, और इसी ने राजधानी कहाँ बनवाया था, राजगिरी मगध की। ए 25 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 40 वर्ष और डी 52 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा डी 52 वर्ष। वो 52 वर्षों तक शासन किया था, कहाँ, मगध पर 52 वर्षों तक शासन। अब बहुत ज्यादा क्षेत्र विस्तार किया था। आपको पता है कि सबसे पहला जो राजा था ये यही जो था जो सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तार किया था, किसका, मगध का। मगध का सबसे ज्यादा क्षेत्र विस्तार इसी ने किया था। ये बहुत तरीका था, किसी को मदद कर देता था दोस्त बनकर, तो किसी से सैनिक मदद कर देता था, तो किसी राज्य से ऐसा होता था किसी जनपद को ये शादी करके, किसी जनपद की जो राजकुमारी थी उससे शादी करके उस जनपद को अपने में मिला लेता था और किसी से युद्ध भी कर लेता था, जिससे जैसा इसको लगता था ना कि जैसा वो हमारे मतलब अंडर में आ जाए वैसा कार्य करता, क्योंकि बहुत ही समझदार था बिंबिसार जो था, वो बहुत समझदार था। और जिसको जैसा लगता था कि हाँ ये युद्ध से मानेगा, युद्ध से दोस्ती से मानेगा, तो दोस्ती से सैनिक मदद से मानेगा, तो सैनिक मदद से, और नहीं तो अगर देखता था कि राजकुमारी से शादी करके ही अगर वो हमारे अंडर में आता तो शादी भी कर लेता था, कोई दिक्कत नहीं थी। यही सबसे ज्यादा बढ़ाया था, किसको, मगध को, ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, बिंबिसार की पत्नी क्षेमा कहाँ की राजकुमारी थी। बिंबिसार की जो पत्नी क्षेमा थी वो कहाँ की राजकुमारी थी। ए अवंती, बी पंजाब, सी कोसल और डी लिच्छवी। तो पंजाब की राजकुमारी थी, कहाँ की, पंजाब की राजकुमारी थी, ध्यान रखिएगा। 106 है, गोदावरी तट पर बसा जनपद कौन सा है, जो गोदावरी तट पर बसा है। ए बजी, बी अवंती, सी आसमक और डी काशी। इसका आंसर हो जाएगा आसमक। आसमक ही है जो गोदावरी तट पर बसा हुआ है और दक्षिण भारत का यही एक महाजनपद है जो दक्षिण भारत में, बाकी सारे उत्तर भारत में महाजनपद उत्तर की तरफ थे, यही दक्षिण में था। आगे बढ़ते हैं 107 नंबर, किसने अंग को जीतकर मगध में मिलाया था। अंग को जीतकर मगध में क्यों मिला था, सबसे पहले आपको पता है कि मगध अंग से अलग था, अंग और मगध दोनों अलग थे, किसने जीतकर मिला। ए बृहद्रथ, बी चंद्रगुप्त और डी सॉरी सी जरासंध और डी बिंबिसार। तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। ये बिंबिसार ने ही जीतकर ये अंग को मगध में मिलाया था। आपको पता है कि जो जैसा मतलब जिससे जैसा व्यवहार करना होता था ना ये करता था, युद्ध करना है, युद्ध देखिए युद्ध से जीता ना,
इससे युद्ध से, और जिस जहां से वैवाहिक संबंध बना कर शादी करके वो उस मगध में मिल रहा था, शादी करके मिला लेता था, वहां की राजकुमारी शादी करके मिला लेता था, जिसको दोस्ती करना था दोस्ती से, जिसको सैनिक मदद सैनिक मदद, जैसे अवंती के राजा चंद्र प्रदोत को क्या किया था, अपना राजवैद्य जीवक को भेजकर चंद्र प्रदोत की जान बचाई थी, क्योंकि सारे जो राजवैद्य उन्होंने कह दिया कि चंद्र प्रदोत की जान अब नहीं बचेगी, लेकिन ये अपना जो सबसे प्रसिद्ध राजवैद्य था जीवक उसको भेजकर क्या किया था, चंद्र प्रदोत का जान बचाया था, तो वो भी अवंती सी के कंट्रोल में आ गया था। आगे बढ़ते हैं, काकवर्ण किस राजा का नाम है, काकवर्ण जो है वो किस राजा का नाम, ये शिशुनाग, बी कालाशोक, सी अजातशत्रु, डी उदय, तो ये है कालाशोक, यह है कालाशोक का नाम ही है काकवर्ण। अब कालाशोक किस राजवंश से था, ये इसका राजवंश कौन सा था, इसका राजवंश था शिशुनाग वंश, कौन सा था, शिशुनाग वंश, ध्यान रखिएगा हर एक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया था। आगे बढ़ते हैं 109 नंबर, नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, जो नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, ये महापद्मनंद, बी धनानंद और सी कालाशोक और डी है नागदशक, तो इसका हो जाएगा आंसर धनानंद था, कौन था अंतिम शासक, धनानंद ही था। अब अंतिम शासक आपको पता है अंतिम शासक क्यों हुआ, क्योंकि दो को कारण हुआ होगा, या तो जनता पर अत्याचार कर दिया होगा, नहीं तो ये कमजोर होगा, तो कमजोर तो था नहीं है, ये जनता पर अत्याचार कर दिया था, इसको कौन हटाया था, हटाया कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों, जब ये दोनों को रणनीति से ये क्या हुआ था, इसको मगध से हटाया गया था, यानी इसको हरा कर मगध से हटाया गया था, और इसके बाद राजा कौन बना था, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश की स्थापना किया था, और ये नंद वंश का था, कौन, ये जो धनानंद था वो नंद वंश का था, नंद वंश का किसने सामना किया था, महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना किया था, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 110 नंबर, निम्न में से सिकंदर का समकालीन कौन था, यानी उसी समय का कौन था, सिकंदर के समय का कौन था, इसमें से ए बिंबिसार, बी अशोक, सी घनानंद और डी बिंदुसार, ये कौन था उसी के समकालीन, तो इसका हो जाएगा ये धनानंद हो जाएगा, कौन हो जाएगा, धनानंद हो जाएगा, ये धनानंद सिकंदर के समय ही था, क्योंकि चाणक्य जब मदद मांगने गए थे इससे, धनानंद से जब मदद मांगने गए थे, बोले थे कि देखिए सिकंदर आ रहा है, अगर पहुंच गया मगध में तो तबाही मचा देगा, तो भाई हमको कौन हराएगा, लो ये तो अलग ही अथी में था, आइए अपना मतलब एकदम राजमहल में एकदम पूरा एकदम ऐसे जिंदगी जिएगा, मनोरंजन की जिंदगी जी रहा था, मनोरंजन में पहुंच गया ये, और बोल रहे हैं कि ये अगर एंट्री मार गया, वो सच बोल रहे थे कि अगर एंट्री कर जाता मगध में तब आई पूरा मजा आता, इनको तो इसको अपने बात पर पूरा ऐसी था कि ये हमको कौन हराने वाला है, मगध इतना बड़ा है हराएगा, अरे वो सिकंदर था, और सिकंदर की मदद करने वाला कौन था, एगो वो वहां का जो तक्षशिला का जो राजा था वो भी सिकंदर का मदद कर रहा था, क्यों मदद कर रहा था, क्योंकि उसने अधीनता स्वीकार, जो आम्बी था वो अधीनता स्वीकार कर लिया था, उसके बाद उसने सिकंदर ने पोरस को भी हरा दिया था, और पोरस को भी क्या करना पड़ रहा था, सैनिक मदद देना पड़ रहा था सिकंदर को, उसको पता नहीं था, जब तीन गो राजा का सैनिक मदद था और ये अकेले था यहाँ पर, इसको लग रहा था कि हम ये जीत जाएंगे, तब चाणक्य ने क्या किया, उसको चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको डराकर भगाया, ये नदी के बाढ़ के से डराकर भगाया, आपको पता है कि ब्यास नदी में बाढ़ आता है, ये कहकर ऐसे बहुत सारे अफवाहें फैलाकर, ये सब की जो भी नदी पार करता है उसकी मृत्यु हो जाती है, ये सब बहुत सारे अफवाह फैलाकर क्या किया, उसको बिना लड़े समझिए बिना हथियार उठाए ऐसे ही भगा दिया गया, उसको इतनी बड़ी सेना को बिना हथियार उठाए ही भगा दिया, क्यों, दिमाग लगाकर, वैसा भौगोलिक परिस्थिति बना दिया गया कि दिमाग लगाकर क्या किया गया, भगा दिया गया। हम लगते हैं बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा आपको, कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इसमें से कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया है आप लोग।